दोस्तों मैं जितेंद्र टेकॉम से बोल रहा हूँ। दोस्तों ये है ओप्पो का F9 प्रो स्मार्टफोन जो कि आज इंडिया की मार्केट में लॉन्च हुआ। ये दोस्तों जो पर्टिकुलर मॉडल आप देख रहे हैं ये स्टारी पर्पल कलर का फ़ोन है। दोस्तों ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन फ़ोन है और आप इसको जब आप हाथ में लेंगे तो ये बहुत ही आपको एक ग्लैमरस लुक देगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें ये 3 कलर में आता है। और दोस्तों ये है इसका फ्रंट और ये इसमें दोस्तों वाटर ड्रॉपलेट इसकी स्क्रीन है जैसा कि आप टॉप पे देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वाटर गिर रहा हो। और बीजरलेस इसका डिस्प्ले है। और जहाँ तक इसके डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो डिस्प्ले से जाने से पहले दोस्तों मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ कि ये दोस्तों है ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और पीछे दो रियर कैमराज हैं। और राइट हैंड साइड पे दोस्तों इसका पावर बटन है जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। और नीचे दोस्तों मैं अभी आपको नीचे लेकर जाता हूँ। नीचे दोस्तों USB चार्जिंग पोर्ट है। स्पीकर ग्रिल दी गई है राइट हैंड साइड पे। 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे। और लेफ्ट पे दोस्तों आपको ये वॉल्यूम रॉकर्स हैं। इसके ऊपर दोस्तों ट्रिपल स्लॉट दिया गया है जिसमें आप 2 सिम्स लगा सकते हैं 4G के और एक डेडिकेटेड स्लॉट है माइक्रो SD कार्ड के लिए। तो दोस्तों ये है इसका बीजरलेस डिस्प्ले। और दोस्तों इसे डिस्प्ले जो है ये 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले है। आस्पेक्ट रेशियो है 19:5:9 और बहुत ही कम बीजल दिए गए हैं। और बहुत ही ये अट्रैक्टिव फ़ोन है। ये दोस्तों जो पर्टिकुलर आप मॉडल देख रहे हैं ये सनराइज रेड कलर का है। बहुत ही दोस्तों ये ब्यूटीफुली डिज़ाइन फ़ोन है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने फ़ोन को फील किया है और ये देखने में बहुत ही सुंदर फ़ोन लगता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे कुछ और हार्डवेयर फीचर्स की। अब मैं आपको अबाउट फ़ोन में लेकर जा रहा हूँ, ये देखिए। और ये दोस्तों चलता है ओप्पो के वर्शन 5.2 जो कि कलर OS है ओप्पो का अपना और जो बेस्ड है एंड्रॉयड 8.1 के ऊपर ओरियो के ऊपर। और इसमें आपको दोस्तों जो प्रोसेसर मिलेगा वो मीडियाटेक का हीलियो P60 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा। 6GB रैम के साथ आता है। 64GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है जिसको कि आप 256GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं वाया माइक्रो SD कार्ड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैमरा की। इसमें रियर में दोस्तों 2 कैमरा लगे हुए हैं। 16MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का सेकेंडरी कैमरा फॉर डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। F1.85 का अपर्चर है दोस्तों इसमें। और इसमें आपको दोस्तों सुपर विविड फीचर्स और बहुत सारे फीचर्स इसमें मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकॉग्निशन फीचर्स हैं और ये काफ़ी सीन्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है और आपको एक बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी इसमें देखने को मिलेगी। और इसमें आपको दोस्तों इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टिकर का फीचर भी दिया गया है जो कि मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन में दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप स्टिकर से। ये देखिए ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं। पोर्ट्रेट मोड है, ये स्टिकर मोड है। और ये देखिए स्टिकर मोड में जब आप जाएंगे तो चाहे आप फ्रंट का कैमरा यूज़ कर रहे हैं चाहे रियर का कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टिकर्स इसमें लगा सकते हैं। और इसमें आप जिफ का फीचर भी इसमें दिया गया है, स्टिकर्स आप जिफ स्टिकर्स भी लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों ये जो कैमरा की जो कैपेबिलिटीज़ है चाहे वो रियर कैमरा हो चाहे वो फ्रंट कैमरा हो बहुत ही बढ़ जाती है। 25MP का दोस्तों इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है विद F2.0 अपर्चर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूटी का फीचर है जिससे कि आप ब्यूटीज़ अपनी सेल्फीज़ को बहुत ही ब्यूटीफाई कर सकते हैं। प्लस आप अपने फ्रंट कैमरा से आप अपने स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपनी सेल्फी को और एनहेंस करने के लिए और उसको बढ़िया बनाने के लिए क्योंकि आजकल स्टिकर्स से लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये फीचर भी इसमें डाला गया है। इससे दोस्तों चाहे वो फ्रंट का कैमरा हो चाहे वो रियर का कैमरा हो काफ़ी इसको पावरफुल बनाया गया है। और 25MP से आप बहुत ही अच्छी सेल्फीज़ खींच सकते हैं इसके ऊपर और ओप्पो अपने सेल्फ़ी कैमरा के लिए तो वैसे ही बहुत माना जाता है। और जहाँ तक दोस्तों बात करें इसकी और फीचर की, इसमें 3500 mAh की बैटरी लगी हुई है और जिसमें जो सबसे जो दोस्तों इसमें जो
फीचर है, बूट फ्लैश चार्ज के साथ आता है और कंपनी क्लेम करती है अगर आप 5 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 2 आवर्स का इसमें आपको टॉक टाइम मिल जाएगा। ये बहुत ही फास्ट चार्जिंग है इसमें, और इसमें 5 लेयर्स और प्रोटेक्शन भी दी गई है ताकि आपको जब आप चार्ज कर रहे हैं तो फ़ोन को कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये जो फीचर्स हैं वो फास्ट चार्जिंग, इससे भी ये जो है ये शायद किसी ने ऐसी चार्जिंग अभी तक नहीं दी है। और बात कर लेते हैं इसकी सिक्योरिटी फीचर्स की, तो इसमें दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर तो है ही है, इसमें आपको फेस रिकग्निशन का फीचर भी दिया गया है और ये फ्रंट कैमरा में ये आपको फीचर मिलेगा। और जहाँ तक दोस्तों बात करें इसके कनेक्टिविटी की, तो आपको सभी कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ब्लूटूथ 4.2, GPS और 4G वोल्टे, और आप इसमें 2 4G वोल्टे के आप इसमें सिम लगा सकते हैं 2, और एक थर्ड स्लॉट भी दिया गया है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के लिए। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों काफ़ी पावरफुल ये फ़ोन बनाया गया है। 3 कलर में आता है, सनराइज़ रेड, ट्विलाइट ब्लू और स्टारी पर्पल कलर में। जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था वो स्टारी पर्पल कलर दिखाया था। 23,990 इसकी प्राइस रखी गई है, और ये दोस्तों आपको 31 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा, और 21 अगस्त से यानी कि आज से आप इसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुली लुकिंग फ़ोन है। अगर आपको एक अच्छा ग्लैमरस फ़ोन चाहिए तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। फीचर वाइज भी इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जैसा कि मैंने बयान किया, और इसकी जो स्क्रीन है दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, और ये देख सकते हैं कि बेजललेस डिस्प्ले है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है टेक कॉम।